बिहार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार के साथ साथ कई संस्थाएं निजी स्तर पर भी महिलाओं के जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। अब कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं जो सुदूर इलाके की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लोन देने के नाम पर झांसा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को लोन देने के नाम पर ठगी का बड़ा खेल भी हुआ है। 38 महिलाओं से प्रति महिला 2000 इस एवज में लिया गया है कि उन लोगों को जल्द लोन मुहैया करवाया जाएगा, मगर अब उस निजी संस्था के जो एजेंट हैं वो फरार हैं। वहीं बड़ी संख्या में महिला ठगी के शिकार होने के बाद अपनी आबीती सुनाते हुए कुर्सेला थाना में इस बाबत आवेदन देकर इस फर्जीवाड़े के खुलासे की मांग की है। क्या मामला है, क्यों आए यहाँ थाना, क्या कैसे? थाना पर आए हल्के ग्रुप में, हम लोग जुटे थे तो सब दीदी को पैसा ले गया। सब दीदी को पैसा लेके शुक्र तक पैसा मिल जाएगा, हमको पैसा मिला नहीं। शुक्र को खाता में चेक किए तो कहा कौन नंबर दिया है, जो नंबर दिया है तो ग्रुप आया यहाँ पर तो जुटा। पहले भी वो ग्रुप चला रहा था तो हम लोग को विश्वास कर लिए कि वो जरूर पैसा मिल जाएगा, इसके पास आता जाता। सर का क्या नाम है? राजेश सर नाम है। क्या कंपनी का, कंपनी का क्या नाम है वो? सर राजेश सर, मैग्मा कंपनी बोला। मैग्मा, तो कितना पैसा लिया है आप लोगों से? 2010 रुपया करके लिया है। लगभग कितना दीदी है? 38 दीदियों से 2010 रुपया करके लिया है। और क्या डॉक्यूमेंट में क्या सब लिया आपसे, कागज में? कागज में वही दिया है, वो मतलब सब दिए हम लोग, फोटो आधार कार्ड, खाता पहचान पत्र। अच्छा, वो अपना कुछ पहचान जब आपके पास आया था तो कुछ आई कार्ड वगैरह वो दिखाया था? वो आईडी कार्ड दिखाया है गला में। वो अकेले आता था कि और कुछ के साथ में आता था? दो गो आता था, बदल बदल के, तीन दिन में दो गो। तो कितने दिन तक वो मीटिंग किया? दो दिन किया, तीसरा दिन में पैसा ले गया। कि पहले पैसा दिए तब मीटिंग किया, आपको प्रभावित कर लेंगे? पहले मीटिंग किया, तीन दिन हाँ कर लिया, पहले पेपर ऊपर जमा कर लिया, तीसरा दिन में पैसा ले गया। पैसा जो आप लोगों से लिया, क्या कह के लिया पैसा? पैसा लिया जो हम कर दे तुम्हारा जो खाता में सबको टका भेज देंगे, और पहले पति पत्नी दोनों का यकीन कटेगा सिक्योरिटी, उसी के लिए पैसा लिया। पहले इंश्योरेंस वाला पैसा लेने आया, 55,000 का लोन भी पास कर दिए पहले। मैसेज आया था मोबाइल में, आया है मैसेज? है मोबाइल है किन्हीं के पास में? पास में कहाँ है आप लोगों का घर? कहाँ है? मिल्की नवाबगंज। डीएसपी अमरकांत झा ने बताया कि ठगी से जुड़ा ये मामला पुलिस के सामने आया है, अब इस मामले पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर स्वावलंबी होते बिहार के महिलाओं के लिए ऐसे ठगों से बचना भी अपने आप में एक चुनौती है। कई महिलाओं को लोन देने के नाम पर ठगी का शिकार किया गया है, क्या किया जाएगा कि इसमें? हाँ, कुर्सेला थाना में कल एक आवेदन दिया गया जिसमें कुछ महिलाओं से यह प्रलोभन दिया गया कि आप दीजिए और आपको लोन दिलाया जाएगा। इसमें जानकारी मिल रही है कि 2000 करके पैसे खोला गया है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया कल थाना में, और आवेदन की जांच होगी या जांच उपरांत प्राथमिकी दर्ज करके उसमें उचित कार्रवाई होगी।